वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सेक्शन टैंकर कैसे काम करता है। आइए चलो देखते हैं। ये आपसे चाबी घुमानी है। अब हम पहले इसका ट्रैक्टर का क्लिच दबाएंगे। ये देखो, यहाँ से ये क्लिच दबाएंगे ऐसे। उसके बाद ये लोहे का लीवर है, यहाँ से ट्रैक्टर चलेगा, यहाँ से हम इस पंप को चलाएंगे लो मेगर के। उसके बाद ये हमारा कपलिंग सिस्टम, इसको हम इधर से इधर करेंगे बैक साइड में। अब चलो पीछे देखते हैं इससे कपलिंग चलती है। वो लीवर के बाद हमारी एक वीडियो सांपट चालू हो गई है। उसके बाद देखो ऊपर खड़े होते हैं, इसमें हमें रबड़ लगानी पड़ती है। बताता हूँ मैं आपको एक बार, देखो यहाँ से हम एक ट्यूब लगाएंगे इसमें, ये करके ट्यूब लग जाएगी ऐसे, इसकी पूरी हवा बंद हो जाएगी। उसके बाद हम पीछे वाल खोलेंगे। ये देखो पहले हम यहाँ से वाल खोलेंगे, उसके बाद जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है इसके अंदर जाएगा। ये पानी भरने के बाद यहाँ तक इसका वाटर लेवल होता है, यहाँ तक वाटर लेवल होता है। ये पानी भरने के बाद यहाँ तक पानी भर जाता है। उसके बाद हम फिर वाल बंद करेंगे, इसको वाल बंद करना हमें को ऐसे। उसके बाद स्पीड कम करनी है ट्रैक्टर की। आ जाओ पीछे दिखाता हूँ। पानी भरने के बाद ये रबड़ अपने आप हट जाएगी ऐसे। उसके बाद आपको ट्रैक्टर बंद कर देना। अब मैं इस वैक्यूम सेक्शन के पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। आइए चलो देखते हैं। ये है हमारा 67 नंबर का पंप। आप देखिए इसमें कौन कौन सी पुली लगी है। ये पुली है हमारी 6 इंची, ये हमारी 8 इंची की पुली, इसमें बेल्ट लगती हैं C3। ये देखिए यहाँ से वो बनाती है कंप्रेसर। ये हमारी छोटी टंकी है, यहाँ से कंप्रेसर बनता है, उसके बाद वहाँ से पानी खींचता है। इसमें हम 5000 लीटर तक वेस्ट स्टोर कर सकते हैं। ये टैंकर हमारा जैसे कि घर के बने हुए सेफ्टी टैंकों में, बेसमेंटों में और भी कहीं भी जमा हुआ कीचड़ हो या थोड़ा पानी हो उसमें काम आता है।